भाई फिलहाल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हाँ, जिसमें कि पाकिस्तान तक एक मिसाइल आके पड़ी। ताकि इतना जबरदस्त धमाका था जो कर आतंकी हमला होया करे। हमने तो इतना भी मौका नहीं मिला कि हम बार बार जाओ सेकंडा के साबता यो बम विस्फोट होया है। हाँ कर रही है। और आसपास के जो लोग हैं वह न्यू बतावें कि अरे इतना जबरदस्त धमाका था। तो फिलहाल भाई तो हम देखोगे ये ताज़ा तस्वीर रशिया और यूक्रेन के ऊपर जिस तरह जो मामला चल रहा है, तो एक और मिसाइल दाग दी है जिसके धमाके की आवाज़ ना वो मेरे मुंह से निकल गई। भाई फिलहाल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हाँ, जिसमें कि पाकिस्तान तक एक मिसाइल आके पड़ी ना वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कोनी भाई। फिलहाल गोहाना तक लाइव जुड़ गए हो और फिलहाल ये तस्वीर देखोगे तो जबरदस्त धमाका, इतना जबरदस्त धमाका कि लोगों की नींद उड़ गई, लोगों का चैन उड़ गया और आसपास के घरों में दरार आएगी। तो हम देख सको कितना बड़ा जबरदस्त धमाका। मामला क्या है, कौन सी ऐसी भारी मिसाइल है? फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखोगे सारा दिखाओगे तो हमने के मामला है और आसपास के घरों में भी दरार आएगी, कई घरों में घना ही भारी नुकसान हो गया। तो हमारे गला जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो रात ने एकदम जिनकी नींद खुली और वो उठ उठ कर बैजे, कोई मुंद पड़िया, कोई चुकड़े घर था जब एकदम अंधेरे में लिकड़े रात ने जब यू ब्लास्ट होया, तो उस टाइम के प्रत्यक्षदर्शी गला मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन भाई, यू जिस तरह यू पूरा खंडर में तब्दील हो गया, ऐसा मामला क्या है यू? ये जी रात को जैसे 1 बजे के आसपास हम सो रहे थे अपने घरों में, एकदम मतलब ऐसा धमाका हुआ जैसे ये आतंकवादी ब्लास्ट करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग उठाते हैं। थोड़े आगे ही आ जाओ जी। तो पवन भाई ने बताया कि इतना जबरदस्त धमाका था जो कर आतंकी हमला हुआ करे। तो गोहाना की यह घटना, चाहे तो गोहाना जी फेमस होया था जब बैंक में सुरंग बनाई गई थी और लॉकर तक पहुंचे थे जो चोर थे, लेकिन फिलहाल यू धमाका देखोगे तो हम ये देखो भाई परखच्चे उड़ रहे हैं इस बिल्डिंग के, पूरी की पूरी बिल्डिंग के। आखिर मामला है क्या यू? और आसपास के घर की अगर मैं बात करूं तो इसके नज़दीक में तो हम यू घर देखोगे तो हम पूरी कहानी बताओगे के है। उससे पहले पवन भाई यू अपना घर? हाँ जी मेरा घर है जी। बारी बारी सर कैमरा मैन दिखूँ और दिखा दे भाई, जितने भी आसपास के जिनके घर हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो जब यह खुड़का सुनिया उठ कर भेजे, के बनी जी आपके किले? मेरा छाती लगी मैम, उठ के बाजे ना। हाँ जी छाती लगी, छाती का मांस फट रहा है। अच्छा एक्सरे करवाना पड़ा? एक्सरे करवाना पड़ा। धमाका कितना जबरदस्त था? धमाका तो बहुत तेज था जी, बहुत भयंकर धमाका था जी। अच्छा नु कहीं गवांडा थी आवाज गई इसकी? हाँ गई है जी, 1.5 किलोमीटर तक आवाज गई। बिल्कुल फिलहाल सोनीपत का गवाना और गवाना का आड़ता थोड़ी यू गुडा गाँव जी। गुड़ा गांव है जी पास में, गुहाना का तेज वार्ड है। गुहाना का वार्ड 23 है। गौतम नगर। हाँ जी गौतम नगर। और आरजी भी खुड़का है तो कित ही सुना है जी? न्यून तो फाटक तो पर्यंत ही, न्यून तो यह गुड़ा गांव है और न्यून मैन रोड थी, रोहतक रोड तक भी लोगों ने सोचा है ये अल्लण आया है। हाँ आसपास के लोगों ने नहीं सोचा भाई कोई रिएक्टर का आड़े भूकंप आया है जिसकी वजह से यू मामला बना है? और ये जो मामला है आड़े तक गेट की अगर मैं बात करूं तो ये देखो भाई घनी दूरी पर आड़े गेट पड़ा है, ब्लास्ट होया जीव तो वो सामने गेट पड़ा, एक दरवाजा नुका घनी दूर जाकर पड़ रहा है। तो उससे पहले एक बार जो कैमरा मैन दिखूंगा और आना जी भाई, एक बार ये सामने मकान था इसका। कौन भाई अपना मकान? यहाँ सो रहे थे जी हम, पूरी फैमिली यहाँ पे सो रही थी, मतलब बाल बाल बच्चे मौत के मुंह से, मतलब एक ही सेकंड की दूरी पे थे, नहीं तो हमारी यहाँ पे लाश दबी मिलती। ये तो मेरा मकान नया था इसलिए बच गया, कि मेरा पुराना मकान होता तो लोग हमारी लाशें निकालते यहाँ। बिल्कुल बहुत दर्दनाक हादसे में तब्दील हो सके थी यह घटना। और ईव तक भी यानी कि 9 मई 2023 की यह घटना है, ईव तक इसके बारे में न्यू निबेत लग लिया है। अब इसमें यू कौन सा ब्लास्ट कराया गया था, यू सीरियल ब्लास्ट था या केमिकल लोचा था या कोई टाइम बम फिट कराया गया था? क्योंकि फैक्ट्री मालिक जो फुटेज बरामद हो रही है उसमें फैक्ट्री मालिक कई सारे सवाल का घेरे मारने लग रहा है। उससे पहले आगे की बात करा, एक बार तो हमने न्यू दिखा दिया कि किस तरह का ब्लास्ट था घर के भीतर तो ही। यू तो वो मकान है जो नज़दीक है, कई सिचुएशन तो ऐसी हैं कि दूर दूर जो मकान है उनमें भी नुकसान हो रहा है। ये देखो भाई ये हालात है फिलहाल। और ये कुंडा देखो भाई, उनका कुंडा गोल हो गया, ये देखो ये हालात है। गेट जी, गेट नहीं होता तो जैसे ये बिल्डिंग गिरी है ऐसे मेरा मकान भी ऐसे गिरना था। अच्छा भीतर भी नुकसान हो रहा है? ऐसी जबरदस्त गैस थी जी खतरनाक, वो अंदर से दरवाजे खिड़की पाटती। एक बार दिखाइयो, ये देखो दरवाजा लॉक था जी, ये दरवाजा लॉक था भाई। और ये देखो उरांत दिखाई भाई, दिखाई उरांत, ये लॉक था जी, इसको पाटती हुई गैस जो भी गोला बारूद जो भी था इसको पाटता हुआ यहाँ से निकली है, मतलब जंगल से ऊपर चौक में निकली है। ये देखो भाई मतलब पूरा मामला। अच्छा कई घरों के शीशे भी टूट रहे हैं। इस ब्लास्ट के पीछे के जो बड़े सवाल हैं वह मुंह बाई खड़े हैं।
आखिर रेजिडेंस एरिया में यानी के वार्ड 23 रेजिडेंस एरिया है गौतम नगर, ये दरवाजा लॉक था जी शीशे का। अच्छा, वो गैस इतनी खतरनाक थी, इसको पाड़ते हुए शीशे को तोड़ते हुए अलग अलग बगा में। हाँ जी, जो कुछ गैस जो कुछ उधर से निकली है वो घर में एग्जॉस्ट फैन से निकलती हुई उसको पाड़ते हुए ओढ़क वाग लिकड़ी फिर गैस। और ये देखो, ये पूरा का पूरा यू जो एल्यूमिनियम का फ्रेम था, ये देखो ये पूरा का पूरा फ्रेम जो है इसका नीचे का शीशा टूट गया, सारा शीशा चकनाचूर हो गया, पूरा ये शीशा चूर चूर हो गया। भाई साहब चकुरदा मजबूत पिलर है, आठ आठ सरिया के साहब जी, बहुत मजबूत पिलर, मजबूत थे जी। उसके बावजूद भी सारा बिस्कुट के पैकेट की जुगर पर्ले जी का बिस्कुट टूट जाएगा, न्यू टूट गया जी सर, कती टूट गया भाई जी। तो इसमें जानलेवा, बहुत ही जानलेवा हादसा आयु। और इसमें यह शुक्र रहा गया, गनीमत यह रही कि इसके आसपास में कोई दीवार का दीवार घर की नहीं लागत थी। और ये देखो भाई किस तरह से, भाई ध्यान तो आइए भाई, थोड़ा ध्यान था। ये देखो भाई पूरा का पूरा लेंटर में आग लिकड़ रही है। और आसपास के जो लोग हैं वह न्यू बतावा कि अरे इतना ज़बरदस्त धमाका था कि कई कई किलोमीटर तक के जो घर हैं उन बेरा इस बात का अगभी आड़ा हादसा है। ये देखो दिखाइए भाई थोड़ा आगे आगे आ जाए भाई, अरे इससे पहले किस जा रहे थे तम, इससे पहले किस जा रहे थे, करिए रहे मुँह उसका नहीं, उसका नहीं मुँह कर, इससे पहले किस जा रहे थे, आ जाओ ऊपर आ जा एक बार दिखा कहाँ वहाँ हाजिर है। ये देखो भाई ये किस तरह से पूरा अंदाजा, ये देखो किस तरह से जो इतना ब्लास्ट इतना खतरनाक था और इसकी जांच होनी चाहिए। दिखा दे भाई थोड़ा लोग सिया के, ये कुछ मौके पर अधिकारी आए हैं, हाथ में फाइल लगा बरोटा ले रहे हैं, अरे नुका नीचे आओ, आ गया भाई नीचे ले, अरे चोट यहाँ इससे पहले गिर जा रहे थे तम, मेरी चिंता ना करो तम, आ जा हाँ आ जा भाई। आपकी तो इतनी चिंता होगी, इसने इन पड़ोसिया की चिंता ना हुई तो मेरे छोटे छोटे पोता पोतिया। ये नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश है जी, यह फैक्ट्री मेरी है। चलो ये भी बढ़िया रह गया भाई, फैक्ट्री के मालिक मौके पर पहुंच गए। राजेश भाई ये भी तो चिंता होगी आपने मेरी, ठीक है जी, एक मिनट जी रुको एक मिनट, ये तो आपने चिंता होगी, ठीक है जी। आपने बताओ जो आर जोन एरिया है रेजिडेंस एरिया है उसमें यह फैक्ट्री चल रही है जी, किसकी परमिशन से के मामला किस तरह का ब्लास्ट था यू? ये जी लघु उद्योग में MSME में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और ये जो भाई साहब है हमारे पवन दीमान जी सामने वाले, इन्होंने ये मेरी फैक्ट्री यहाँ पे लगवाई थी। अच्छा। और ये जो इसके अंदर कार्यक्रम हुआ है, ये आग लगी है या लगाई गई है किसी के तहत, इसके अंदर गैस बनी है पूरी बिल्डिंग के अंदर, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ की पूरी DPC इस तरफ झुकी हुई है, उसके बाद ये लेंटर इसकी बाकी की दीवारें वजन नहीं झेल पाई। दूसरी बात, ये जितने भी भाई बंधु हैं यहाँ पे जिनका नुकसान हुआ है, मैंने इनका हाथ जोड़ के विनती मैं इनको कर चुका हूँ कि भाई अभी मेरे पैर अभी मेरे पैर टूटे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा संभलन दो, मैं अपने आप ने भी संभालूंगा और आपका भी देखूंगा। इसके अलावा मेरी 2 मिनट की बात और है, ये जो आसपास जो कुछ लोग इस प्रकार का भी हल्ला मचा रहे हैं जिनके घर में पंखा तक नहीं हिला, उसके बावजूद उनकी पैसा की डिमांड हो रही है, जाना चाहिए था नहीं पीछे ना श्रीमान जी, ये अननेसेसरी पैसे के लिए ब्लैकमेल करने के लिए हरकतें की जा रही हैं। ये जो सामने वाला मकान है इस भाई साहब के साथ पिछले 5 साल से डिस्प्यूट चल रहा है मेरी पेमेंट को लेके, और ये देखो ये वो डिस्प्यूट अपनी जगह है किताब नहीं नहीं वो डिस्प्यूट, ये मौके का फायदा उठा के ये चाह रहा है कि इसको 15-20 लाख रुपए का फायदा हो जा और आसपास के भोले भाले लोगों को बहला फुसला रहा है। राजेश भाई सुनो सुनो एक मिनट की बात और रह रही है भाई साहब, अब इनमें से जितने भी मैक्सिमम लोग हैं इस गली में से कितने लोग हैं, एक पड़ोसी भाई है मेरा जिसका की मिट्टी का यहाँ पे बना हुआ था और उसकी दीवार भाई डेगी, वो तो उसके पिताजी को अंधेर पहनी था, उसका बाबू भी और करना पड़े मैं इस मकान में पिछले कई सालों से कोई भी नहीं रहता, इस गली में जो बाकी के आदमी है फिर इसका कुछ है करो, जब बराबर में कोई नहीं रहता तो छूट है फिर। श्रीमान जी यहाँ कुछ करने वाला मुद्दा नहीं है, मेरी बात सुनो, मेरा आपके साथ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आम तो नहीं कहा भाई ना पक्ष ना विपक्ष, आम हाँ केवल निष्पक्ष जी। तो मेन बात ये बताओ, आपने कहो भाई हमने परमिशन ले रखी थी तो इतना घातक केमिकल
उसकी भी परमिशन आग भी आड़ किने भी होते हैं साहब जी। घातक केमिकल की आप जब बात कर रहे हो, गोहाना के अंदर अगर 2 करोड़ जनता रहती है उन सब के घरों में घातक केमिकल है, उसका नाम है एलपीजी सिलेंडर। मेरी फैक्ट्री में एक भी सिलेंडर नहीं था, जो कि सारे के सारे इसके अंदर प्लास्टिक आइटमें थी, उसके अंदर आग लगी है, उससे इस बिल्डिंग में गैस बनी है, जिससे कि डीपीसी प्रेशर नहीं ले पाई है, ये पूरे के पूरे लेंटर का जो वजन था ये बाकी के हिस्से इसको झेल नहीं पाए। किस चीज की फैक्ट्री दिया ये? इसके अंदर देसी घी के डब्बे, देसी घी के ढक्कन और इसके अलावा झूमर के आइटम और एलईडी बल्ब और सोलर स्ट्रीट लाइट है, ये आइटम मैन्युफैक्चर होती थी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भट्टी वगैरह चलती होंगी? कुछ भी नहीं, ऐसी प्रक्रिया नहीं, ऐसा कोई भट्टी का आइटम नहीं था जी। इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है, बनी बनाई बोड़ियां बाहर से आती है, और इसके अलावा जो अगर हम प्लास्टिक की हम बात की बात करते हैं तो वो सेक्शन एक ऐसा होता है जिसके अंदर एक छोटा सा हीटर लगता है, जिससे बड़ा हीटर तो आमतौर पर घरों में रहता है, ये तो किसी शॉर्ट सर्किट से या किसी व्यक्तिगत तरीके से किसी ने जो भी इसके अंदर कार्यक्रम किया है उसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर जो आग लगी है उससे इसके अंदर गैस इतनी इकट्ठा होगी, आप पूरा का पूरा देखो, पूरी की पूरी डीपीसी। आपने तो नूका का, राजेश भाई आपने तो नूका का पल्ला झाड़ लिया, आपने तो नूका का पल्ला झाड़ लिया, इसका भीतर गैस इकट्ठी हुई है। कैमरामैन को एक बार दिखा दे भाई नीचे से किस तरह से सारा जो फैक्ट्री का जो सामान है उसमें आग लग रही, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का यूं भी आरोप है अगर भाई आ रहा था नया सामान तो ढोया गया और पुराना सामान ट्रांसफर कराया गया, कुछ इस तरह के आरोप भी हैं। अंदर मेरी एक-एक आइटम इस फैक्ट्री के अंदर ही हैं, जिसके सारे बिल मेरे पास हैं और मैं डिपार्टमेंट को इसके बिल सारे के सारे दे चुका हूं। इसके अलावा मेरे पास यहां पे एक पिक एंड प्लेस मशीन थी, मैंने पीछे से वो बेची है, ये कोई प्रत्यादक्षी नहीं है, ये हमारे आदरणीय सामने वाले घर परिवार वाले लोग हैं जिनका हिसाब किताब यो है, जिसकी मैंने फरवरी में कंप्लेंट भी डाल रखी बकायदा आईजी साहब के पास भी, ये पिछले 4 साल का डिस्प्यूट है। आपके पड़ोसी के अलग किसी की फोन पर आपकी बात हुई है तो उसमें आपने न्यू भी स्वीकार किया, अभी कोई केमिकल हार्ड है जो कैंदरी है उनमें कोई ज्वलनशील केमिकल है? जो भी आप जिस भी प्रकार के आप केमिकल की आप बात करने लग रहे हो, जनरली यहाँ पे जो भी सामान रहा है वो 1 या 2 लीटर से ज्यादा मात्रा में नहीं रहा है, और जिस केमिकल की आप बात कर रहे हो वो हम सबके पास होता है, वो जस्ट लाइक पेट्रोल, क्योंकि वो चीजों की स्पाइस करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो कोई भी इतनी मात्रा में नहीं था जिससे इस तरीके का कार्यक्रम बन जाए। तो एक बात बताओ राजेश भाई, जो आस पास में जो रहने लोग हैं उनका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए तैयार हो आप? ऐसा है जी, उसकी भरपाई के लिए आज की तारीख में मैं तैयार हूं या नहीं हूं इसका मेरे पास एक संतुष्टि वाला जवाब नहीं है, लेकिन जो मेरा जो टूटा हुआ है और जो पड़ोसी भाइयों का टूटा हुआ है, जिस तरीके से बादल भाई का भी यहां पे टूट फूट रहा है, और मैं अपना ये जो भी मेरा इधर आग अडंगा जो भी मेरा सौदा पड़ा है इसने मैं संगवाऊंगा, मैं अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करूंगा इसमें पूरा, मैं अपने अपने सामान ना बाद में छोड़ूंगा, पहले मैं अपने पड़ोसियों का ध्यान करूंगा। चलो यह बात है तो भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर इस तरह से कोऑपरेशन अगर मिला है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन हादसा इतना बड़ा था भाई, यू परमात्मा का शुक्र है, गनीमत यह रही कि इसकी दीवार का दीवार किसी घर की कोनी लाग गई थी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा उसका था। मैं खुद लगभग 40 मिनट का ही डिफरेंस रहा होगा, मेरी आदत थी मैं इस गली में से काफी लेट नाइट निकलता था कि कई बार साइकोलॉजिकल ये रहता था कि मैंने ताला लगाया नहीं लगाया, फैक्ट्री के आगे से ताला देख के मैं यहाँ से निकल के गया था, फोन मेरा स्विच ऑफ पड़ा था गाड़ी में, मेरे को कुछ अंदेशा नहीं हुआ कि पीछे से कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है। जब 2 बजे मुझे भाई के मोबाइल से सूचना मिली तो मैंने आके देखा तो सारा ताम झाम मेरा डाया हुआ मिला, अगर उस सिचुएशन में मैं खुद थोड़ी देर लेट होता या मेरा कोई और पड़ोसी भाई यहाँ पे जा रहा होता तो मेरे लिए और भी आफत थी, मैं भी मर सकूं था और मेरा कोई और भाई भी मर सका था। चलो इसकी मेन बात है भाई, जो हादसा हुआ है इसकी जांच भी हो सकता है, इसी बात नहीं है, जांच में बेरा पड़ जाएगा अगर भाई वो ब्लास्ट किस ढंग से हुआ है, कौन से केमिकल के गिला हुआ है, लेकिन आस पास में पूरी तरह से दहशत का माहौल है और लोगों की दिन का चैन और रात की नींद गायब है, न्यू बात है जी। हाँ जी न्यू बात है जी, हमने तो इतना भी मौका नहीं मिला कि हम बार बार जाओ सेकंडा के साबता यो बम विस्फोट होया है, अपने बालक बार कट एक ती बहु भी पड़ी सारा सब के पड़े हमारा भी हम बात के नहीं गेरा हमने हमारे तला पा टके हैं आके गली में टके हैं के घर में टके हैं। जब तक इसने ना पड़ोसी ने न्यू भी पूछा इसने आके है जा के है आके भाई के मर गए जियो हो आ के करो हो नुकसान है ऊपर के इन्हें न्यू भी पूछा है क्या ख्याल करेगा न्यू का बोले हम पड़ोसी पहले हमने नहीं है इसकी साजिश थी रात न करके चले आयो कांड और कब आजियो कांड का बड़ी मैं भी नहीं पता लू और सब 6 दिन दे अब बड़ा बड़ा जवान हो दे तेने खत्म भी कर सके थे और जब पुलिस आ जा रही पुलिस हमारे खातिर कति नहीं आई पुलिस भी नहीं आई किसी ने मारी कोई सद्बुद्ध नहीं आई पुलिस का बंदा भी नहीं आ लिया है। बिल्कुल बड़े बड़े सवाल है भाई, बड़े बड़े सवाल ही हादसे ने बड़े बड़े सवाल छोड़े हैं। तो सामान यो न्यू का है कि डब्बे बनाऊं खिलाड़ी बनाऊं वो सामान दिखाओ हमने लाजी और वो पकावे।
घी के डब्बे दिखाओ हमने और वो मशीन मरी गली में चल जा सब न्यू निकाल दे और बच्चा भी न्यू निकाल दे अब मशीन नई तो काटी है और पुरानी रखी है इसमें बिल्कुल मामले में काफी सारे पेच हैं भाई जो कि सुलझने बहुत जरूरी है सारी गलत है एक भी सही नहीं है मैं 24 घंटे मेरा यो घर है मैं 24 घंटे देखूं कुछ बहुत से सवाल है भाई जो मुंह भाई खड़े हैं जिनका जवाब ये पीड़ित लोग जो दहशत में है ये दहशत में जो लोग हैं उन सवालों का जवाब मांगे हैं आखिर रेजिडेंशियल एरिया में या फैक्ट्री चुकरता तो बंद थी तो इसमें क्या चल रहा था हमने बेरा नहीं बना क्या था इसमें यो तो ही बतावा है मकानों में आग लगी सुनी तो देखे फिर इस तरह का ब्लास्ट हमने नहीं अपनी जिंदगी में करा और जी हमारे माले जो मकानों में नुकसान हुआ है दरवाजे टूटे हुए मकानों में दरार आई हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा जी ये भी तो भाई ब्लास्ट इतना जबरदस्त था आग इतनी खतरनाक थी आग की लपट इतनी उच्च जावा थी कि ऊपर तो हम देख सको पेड़ की पत्ती भी जलकर टहनी जलकर राख हो रही है तो ये शामी तो हम देखने लग रहे हो और बराबर में जो मकान है उसकी भी तम हालत देखोगे तो पूरी तरह से चकनाचूर गनीमत यह रही कि उस रात आड़े कोई सोवे कौन था और जय इस मकान में कोई रात ने सोवे है तो हम देख सको किस तरह से धराशाई हो रहा है किस तरह से चकनाचूर हो रहा है यू मकान। फिलहाल एक बात जरूर है प्रशासनिक अधिकारियां थी एक बात जरूर कहूंगा भाई इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और मामले का दूध और पानी का पानी जो कि रजाई का उछाड़ सा उधेड़ा जाग रहा है और उसमें बेरा पर जाग रहा भी लोग कित कित तपैट रहा है मामले की छानबीन होनी चाहिए ताकि आसपास के जो लोग हैं दोबारा कोई इस तरह के हादसे के शिकार ना हुए और ये भी कहेंगे अभी गनीमत रही कि आस पड़ोस में कोई बड़ा हादसा यानी कि जान का नुकसान को नहीं होया माल के नुकसान की तो भरपाई फिर भी किसी न किसी तरह हो जाएगी लेकिन जान के नुकसान की भरपाई होना नामुमकिन हो रहे फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि इस डाल की समस्याओं तरह वहाँ पर दूर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।